अगर दोस्तों आप चाहते हो कि जब भी आपके फोन पे किसी की भी कॉल आए तो उस बंदे का फुल स्क्रीन फोटो दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। तो जैसा ही दोस्तों आप मेरे फोन की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे फोन पे कॉल आ रही है और जिसकी कॉल आ रही है उसका फुल स्क्रीन फोटो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों आपके फोन पे आपके फ्रेंड की कॉल आएगी तो उसका फुल स्क्रीन फोटो दिखाई देगा, या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार की कॉल आएगी तो उसका भी फोटो कुछ ऐसे ही फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास किसी भी कंपनी का फोन हो फर्क नहीं पड़ता है। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी कंपनी के फोन में 100% वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं किस तरीके से आप फुल कॉलर स्क्रीन फोटो को सेट कर सकते हो। तो अब दोस्तों आप अपने मोबाइल में डायलर ऐप को ओपन करोगे, इसके बाद दोस्तों आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे की साइड में आपको तीन सेटिंग दिखाई देगी, फेवरेट, रीसेंट एंड कॉन्टैक्ट। तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपके फ़ोन के यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट शो हो जाएंगे। अब दोस्तों आप जिस भी कॉन्टैक्ट पे फोटो सेट करना चाहते हो जिससे दोस्तों उस बंदे का जब भी आपके फ़ोन पे कॉल आए तो उस बंदे का फुल स्क्रीन फोटो दिखाई दे, तो सिंपली दोस्तों आप उस बंदे के कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में एक पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके नाम को भी चेंज कर सकते हो, मिडिल नेम को भी चेंज कर सकते हो, इवन दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी ऐड कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। फिलहाल में दोस्तों आपको यहाँ पे एक गोल सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होगे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे जो भी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अब मान लेते हैं दोस्तों मुझे ये वाला फोटो सिलेक्ट करना है। अभी आपको इसको क्या करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लोगे। अब आपको दोस्तों यहाँ पे चूज पे क्लिक करना है। जैसे आप चूज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से यही पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब दोस्तों मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ कि मेरे फोन पे फुल स्क्रीन फोटो सेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे कॉल करता हूँ और इस वाले फोन को मैं ऐसे पूरा बैक कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने कॉल लगा दिया है। अब जैसे ही कॉल आएगी तो मेरे फोन में फुल स्क्रीन फोटो दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कॉल आ गई है और यहाँ पे फुल स्क्रीन फोटो सेट हो गया है। तो दोस्तों आप भी अपने फोन में कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन फोटो सेट कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर से बताना।